हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेमन राइस बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मेरा टाइप ऑफ लेमन राइस है। पहले से ऑयल डाल के ऑयल अच्छा हीट होने के बाद ये रायन डालना चाहिए। रायन शायद डालना चाहिए। मैं बहुत क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाली। अब आपके हिसाब से डाली। इस तरीके से होने के बाद इसमें ग्राउंड नट डालिए। मैं थोड़ा अच्छी तरीके से भूनना चाहिए ग्राउंड नट्स को। हमें थोड़ा भूनने के बाद चने की दाल और मूंग की दाल डालना चाहिए। सॉरी, चने की दाल और उड़द की दाल दो भी डाल के अच्छी तरीके से भूनना चाहिए। तो फिर इस तरीके से कलर आना चाहिए। इसके बाद मूंग की दाल ये लास्ट में डालें क्योंकि छोटा रह जाता है, ये जल्दी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा लास्ट में डालिए। ये अच्छा भूनने के बाद कार के पास में रखना चाहिए। पूरा साइड में काट के मैं लेमन राइस का प्रोसेस तड़का दिखाऊं इसी ऑयल में। तो अभी इसी फल में थोड़ा हरी ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है। थोड़े ग्रीन चिल्ली, थोड़ा रेड चिल्ली, थोड़ा कड़ी पत्ता, चाहिए अच्छी तरीके से भून लेना चाहिए। ये अच्छी तरीके से भून लेना और इस पॉइंट पर हल्दी डालना चाहिए, टर्मरिक पाउडर। ओके, तो तड़का हो गया। तो ये वाइट राइस है तो पहले से ही मैं पका के रखती हूँ। इसमें तड़के को डालना चाहिए। और जो हम पहले से बना के रखते हैं तो भी इसमें डालना चाहिए। उनको अच्छी तरीके से मिलाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा लेमन डाल के, लेमन जूस डाल के, अगर आपको स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए, टेस्ट देख के डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल के पूरा अच्छे तरीके से मिलाना चाहिए। आप टेस्ट देख के थोड़ा लेमन जूस चाहिए तो मैं लेमन जूस डाल दे सकते, या थोड़ा नमक चाहिए तो नमक डाल दे सकते। और ये लेमन राइस का फाइनल टच है। अगर आपको मेरा लेमन राइस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।